हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अनुज बंसल एंड वेलकम टू अनुज बकेट। हम आए हुए हैं हरिद्वार। जी हाँ, हरि का द्वार। भारत के 7 सबसे बड़े डिवोशनल पॉइंट में से एक है हरिद्वार, और यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। चाहे आप मान ले वो गंगा जी का स्नान करने आते हैं, यहाँ के भगवान के दर्शन करने, या फिर अपने पितरों को याद करने। हरिद्वार एक बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है और यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे साल भीड़ रहती है। और हरिद्वार में सिर्फ हर की पौड़ी ही नहीं है जो जगह आप सिर्फ देख सकते हैं, हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आप घूम सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप हरिद्वार कैसे घूमें। जी हाँ, हरिद्वार की कंप्लीट ट्रैवल गाइड हम आपको इसमें सबसे पहले बताएंगे हरिद्वार के बारे में, हरिद्वार की जनरल इन्फॉर्मेशन, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसका बेस्ट टाइम टू विजिट और उसके मैप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यहाँ पहुंचा कैसे जाए, चाहे वो फ्लाइट, चाहे बस, चाहे ट्रेन। फिर हम आपको बताएंगे कि हरिद्वार की टॉप प्लेसेस टू विजिट कौन सी है, टॉप प्लेसेस टू ईट कौन सी है और कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आप हरिद्वार में कर सकते हैं। देन हम आपको लेके चलेंगे एक आइटिनरी, 2 से 3 दिन की आइटिनरी, जिससे आप पूरा हरिद्वार घूम सकें। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये सब करने में आपका खर्चा कितना होगा, आपके एक्सपेंसिव। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की जनरल इन्फॉर्मेशन की, कि हरिद्वार का ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है। हरिद्वार तकरीबन 2360 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो कि उत्तराखंड के साउथ वेस्ट एरिया में पड़ता है। हरिद्वार सिचुएटेड है समुद्री तल से तकरीबन 314 मीटर ऊपर, और जो कि है शिवालिक हिल्स के नॉर्थ में, और जिसके साउथ में बहती है गंगा रिवर। हरिद्वार के इतिहास में ये माना जाता है कि राजा भागीरथ जी स्वर्ग से रिवर गंगा को धरती पे लाए थे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि हरिद्वार में हमारे तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से हरिद्वार में दर्शन करने के लिए 5 तीर्थ हैं, जिनमें हैं हर की पौड़ी, कुशवर्त घाट, कंखल, मनसा देवी और चंडी देवी। अब देखते हैं कि हरिद्वार में बेस्ट टाइम टू विजिट क्या है। हरिद्वार अगर आप घूमना चाहते हैं तो वहाँ का सबसे प्लेजेंट और सबसे ठंडा मौसम होता है अक्टूबर से मार्च तक का, जिसमें आप पूरा हरिद्वार बड़ी आराम से घूम सकते हैं। हालांकि हर की पौड़ी पे गंगा जी इस समय थोड़ी ठंडी होती है। मार्च से मई तक का महीना होता है यहाँ पे गर्मियों का, जिसमें मौसम बहुत गर्म होता है, लेकिन यह समय गंगा स्नान के लिए सबसे उत्तम समय है। और इसके बाद आता है जून से सितंबर तक का महीना, जिसमें हरिद्वार में रेनी सीजन होता है और कई बार तेज बहाव के कारण हर की पौड़ी का स्नान इस समय रोक दिया जाता है। तो ओवरऑल हरिद्वार का सबसे बेस्ट टाइम टू विजिट होगा अक्टूबर से मार्च तक का। अब बात करते हैं हरिद्वार के नक्शे की। यह है हरिद्वार का नक्शा, जिसमें हरिद्वार के नॉर्थ में पड़ता है देहरादून और हरिद्वार के साउथ में पड़ता है रुड़की और मुजफ्फरनगर। हरिद्वार का सिटी सेंटर माना जाता है यहाँ की हर की पौड़ी, जहाँ पर आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, आपको यहाँ की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी, जिनका नाम है दीनदयाल पार्किंग और पंतदीप पार्किंग। हरिद्वार की हर की पौड़ी के पास ही पड़ेगी यहाँ की मेन मार्केट। और हरिद्वार के साथ साथ आप ऋषिकेश भी घूमने जा सकते हैं, जो कि हरिद्वार से तकरीबन 34 किलोमीटर दूर नॉर्थ में पड़ता है। अब बात करते हैं हरिद्वार के ट्रांसपोर्टेशन की। आप हरिद्वार तीनों तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय प्लेन, बाय ट्रेन और बाय बस। हरिद्वार प्लेन से जाने के लिए आपको हरिद्वार के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा देहरादून एयरपोर्ट, जिसका नाम है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, जहां से आप टैक्सी करके तकरीबन 2 घंटे में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक, जिसका है HW। अब हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप कोई भी बैटरी रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा करके अपने होटल तक जा सकते हैं। हरिद्वार की कनेक्टिविटी बाय रोड भी सारी मेजर सिटीज से है, तो आप बस से भी हरिद्वार आ सकते हैं। इन मेजर सिटीज का नाम है देहरादून, चंडीगढ़, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर और जयपुर। अब हरिद्वार में अंदर घूमने के लिए आप क्या इस्तेमाल करें? अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से हरिद्वार आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी हरिद्वार के अंदर नहीं लेके जा सकते। आप हरिद्वार पैदल घूम सकते हैं या फिर कर सकते हैं वहाँ की अपनी टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा। हमारा सजेशन रहेगा कि हरिद्वार की मेन मार्केट आप पैदल ही घूमें, क्योंकि वहाँ के घाट और मार्केट घूमने का असली आनंद पैदल ही है। अब हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ आने की कोविड इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं? अभी एट प्रेजेंट ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपके पास बस अपना डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप हरिद्वार दर्शन करने आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से हरिद्वार आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी फ्लाइट RT-PCR रिपोर्ट की भी मांग करे। आप सिंपली अपनी फ्लाइट को डायरेक्ट कॉल करें और उनसे पूछ लें कि आपको RT-PCR रिपोर्ट चाहिए या नहीं। अब बात करते हैं हरिद्वार की टॉप प्लेसेस टू विजिट की। हरिद्वार की हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट की एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, जिसमें हमने हरिद्वार घूमने की सारी जगहें दिखा रखी हैं, जिसमें आता है यहाँ की हर की पौड़ी और उसकी गंगा आरती, मनसा देवी, चंडी देवी, पवन धाम, शांति कुंज और दक्षेश्वर महादेव का मंदिर। हरिद्वार में टॉप प्लेसेस टू ईट की भी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसमें हमने इंक्लूड करा है यहाँ का सबसे फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट, होशियारपुरी रेस्टोरेंट, गंगा लहरी, पंडित जी पुरी वाला, बिग बैन रेस्टोरेंट और मोहन जी पुरी वाला। अब हरिद्वार में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी? उनमें सबसे पहले आता है गंगा स्नान। जी हाँ, हरिद्वार आने वाला हर एक भगत यहाँ आता है गंगा स्नान के लिए, और गंगा स्नान आपको करना चाहिए हर की पौड़ी पे। चलो जी जी जाके बताओ, ठंडा नहीं है? नहीं ठंडा, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। अरे मन्नो आ गए, ठीक है, इतना तो होता ही। ओए ये तो पत्थर से आ रहा है, ओए तो बहुत ठंडा है भाई। हर हर गंगे
हरा हरा गंगे। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा स्नान के साथ आप हर की पौड़ी पे अटेंड कर सकते हैं यहाँ की गंगा आरती, जो कि होती है शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। गंगा आरती के समय आप देखेंगे कि हर एक भगत हरिद्वार की इस गंगा आरती का कैसे आनंद लेता है। भाई ये हम आए हुए हैं हर की पौड़ी पे शाम की आरती देखने, जो हरिद्वार में शाम की गंगा आरती होती है वो देखने आए हुए हैं। पीछे आप मेरे देख सकते हो बहुत ज्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे बैठने उठने खड़े होने की भी जगह नहीं है, तो आरती दिख जाए वो गनीमत है। तीसरे और चौथे नंबर पे आती है यहाँ पे चंडी देवी और मनसा देवी के दर्शन। इन दोनों देवियों के दर्शन करने के लिए आप ले सकते हैं यहाँ की रोप वे। जी हाँ, मनसा देवी और चंडी देवी जाती है यहाँ की ट्रॉली, जिसमें दोनों ट्रॉली की टिकट आपको पड़ेगी तकरीबन 365 रुपए की, और वहाँ से हरिद्वार का नजारा अपने आप में अद्भुत नजारा है। तो भाइयों ट्रॉली की लाइन में एंट्री हमने कर ली है और अभी यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं है। ये जो हम जिस जगह पर है ये ट्रॉली के वे पे जा रही है, जो रोप वे है रोप वे के ऊपर जाने के लिए रास्ता है। भाई चंडी देवी की ट्रॉली में बैठ चुके हैं, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त व्यू लग रहा है, एकदम पहाड़ काट के ट्रॉली बना रखी है। अब बात करते हैं हरिद्वार की आइटिनरी की। हरिद्वार घूमने के लिए आपको लग सकते हैं 2 दिन और 1 रात, और हरिद्वार की 2 दिन की आइटिनरी आपकी कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम हरिद्वार की टॉप प्लेसेस टू विजिट और टॉप प्लेसेस टू ईट कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार में डे 1 की, जिस दिन आप सुबह हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार पहुंचते ही आप सबसे पहले जाएंगे हर की पौड़ी पे गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करने के बाद कपड़े बदलकर आप जा सकते हैं मोहन जी पूरी वाले की पूरी खाने, जो कि होगा आपके लंच से पहले का स्नैक। कचौड़ी और छोले के साथ है सब्जी, छोले के साथ आलू की सब्जी छोले में खा के देखो, और मीठी चटनी है ऊपर से। अच्छा मीठी चटनी भी डाली है, मन्नु देख रहा नजर नेत्री में। अब मोहन जी पूरी वाले की पूरी चक्के आप जा सकते हैं होशियारपुरी रेस्टोरेंट अपना लंच करने। तो भाई होशियारपुरी रेस्टोरेंट आ चुके हैं, यहाँ पर हमने ऑर्डर किया है आते ही सबसे पहले बटर पनीर मसाला, दाल मखनी, और इन्होंने अलग अलग तरीके की रोटी। हमारे जिया जी खाएंगे गार्लिक नान, मनी को खाएगा बटर रोटी, और मैंने मंगाई फिर टॉप ब्रांड बनने वाले ब्रांड, तो इससे हमारा ट्राई भी हो जाएगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ का जो खाना है बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब बहुत ही रीजनेबल रेट पर है, और 2 जनों का आपके यहाँ पे खर्चा आ सकता है 400 से 500 रुपये। बस आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर वेटिंग ऑलमोस्ट रहती है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट करना पड़े टेबल मिलने तक। ये है हमारी दाल मखनी, ये है पनीर बटर मसाला, लग तो बढ़िया रहा है ना, चलो शुरू करो। अब लंच के बाद वहीं पैदल के रास्ते में आपको मिलेगा मनसा देवी तक जाने वाली रोप वे, जिसकी टिकट आपको पड़ेगी तकरीबन 140 रुपए की। अब मनसा देवी के दर्शन करने के बाद आप गंगा आरती अटेंड करने जाएंगे, जिससे पहले आप दर्शन कर सकते हैं माया देवी मंदिर के। तो गाइस माया देवी के दर्शन कर लिए हैं, उससे बहुत आनंद में दर्शन हुए, बहुत शांति थी, आराम से परिक्रमा लगाई, और माया देवी के दर्शन में ये पता चला मुझे कि माया देवी की मूर्ति जो है यहाँ पर, वहाँ पे 3 मूर्ति है। सबसे पहले माया देवी की, उनके लेफ्ट हैंड साइड में है काली देवी की मूर्ति, और राइट हैंड साइड में कामाख्या देवी की मूर्ति। माया देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अटेंड करेंगे हरिद्वार की फेमस गंगा आरती। गंगा आरती अटेंड करने के बाद आपका टाइम हो जाएगा डिनर का, और अब आप डिनर करेंगे हरिद्वार के फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट में। हाँ जी तो पीछे के खाना भी है, खा लिया मैंने। डिनर के बाद आप ट्राई कर सकते हैं गंगा लहरी रेस्टोरेंट की फेमस आइसक्रीम। भाई गंगा लहरी रेस्टोरेंट में आए थे, इसका जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है पीछे देखो, गंगा जी का पूरा व्यू पूरा यहाँ से होती हुई जा रही है। ये है यहाँ पे इस तरफ है हमारा हर की पौड़ी, और यहाँ से गंगा जी होती हुई जा रही है आगे तक जा रही है, और ये सुपर व्यू के ही सारे पैसे हैं गंगा लहरी के। यहाँ का रूम भी एक्सपेंसिव इसी वजह से है, और यहाँ का रेस्टोरेंट भी एक्सपेंसिव। जब तक हम आए तब तक खाना यहाँ पे, मतलब डिनर टाइम खत्म हो गया था, तो हमने सिर्फ डेजर्ट्स खाए। यहाँ का जो फील आया वो बहुत जबरदस्त है। अब दूसरे दिन की आइटिनरी आपके हरिद्वार की कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिसमें हम यहाँ पे ये सारी जगह कवर करने वाले हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आप जाएंगे और नाश्ते के लिए ट्राई करेंगे पंडित जी पूरी वाले की पूरी सब्जी। हाँ जी, कैसा लगा पूरी? ओके ओके। अच्छा पंडित जी पूरी वाले की? ओके ओके। अरे वो उसकी अच्छी थी। अच्छा आलू छोले सब मिला के सब्जी बना रखी थी। अच्छा तीन आलू की सब्जी, ये वाली सीताफल और ये वाली आलू की सब्जी। पूरी सब्जी खाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे हरिद्वार की हर की पौड़ी से तकरीबन 20 मिनट दूर दक्षेश्वर महादेव टेंपल। भाई दक्षेश्वर महादेव टेंपल के बाहर ये पीछे काफी सारी शॉप्स हैं, सिर्फ प्रसाद के लिए ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सोविनियर खरीद सकते हैं, गंगा जल भरने के लिए छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं वो भी खरीद सकते हो। एंट्री बहुत शानदार है, मतलब मैंने देखा है इंडियन मंदिरों के बाहर बहुत सारी जगहों पर, मतलब 2 सींग, मतलब 2 शेर
एंट्री पे स्वागत के लिए होते हैं, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। देखो दक्षिणेश्वर महादेव टेम्पल देखने के बाद आप जा सकते हैं चंडी देवी के दर्शन करने, जिसके लिए आपको फिर से रोप वे लेनी पड़ेगी। भाई माता के मंदिर की एंट्री कर ली है, प्रसाद है यहाँ पे, हमने जो लिया है वैसे 50 रुपए से 25 रुपए से भी शुरू था, हमने 100 रुपए वाला लिया है, जिसमें माता का सिंगार, चुनरी, नारियल और ये सब कुछ है। चंडी देवी के दर्शन करने के बाद आप रास्ते में देख सकते हैं पावन धाम। भाई मैं बता नहीं सकता कितनी सुंदर जगह है, मैंने एक नॉर्मल अच्छा मंदिर एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना सुंदर मंदिर एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब यहाँ सब आटे भाई, मैंने ऐसा मंदिर अपनी जिंदगी में ही देखा जो इतने सारे ग्लासेस से बना हुआ होता है, छोटे छोटे ग्लासेस का काम हो रखा है पूरे मंदिर में, बहुत जबरदस्त मंदिर। मैं ये सोच रहा हूँ कि जीजू और बन्नू को बोलो भैया बाहर में बैठो, एक बार अंदर आके मंदिर देख लो जरूर। पावन धाम के बाद आप जाएंगे हरिद्वार के फेमस शांति कुंज, और जहां पर आप देखेंगे शांति कुंज का फेमस हिमालय टेम्पल, और आप शांति कुंज का भंडारा भी खा सकते हैं। भाई बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह ये शांति कुंज है भैया, ऐसी डिफरेंट जगह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। यहां पर एक हिमालय टेम्पल है जिसमें ना आप अंदर जाके शांति से बैठ सकते हो, बस हिमालय सामने बने हुए और बहुत शांति है, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो शांति के साथ, आप भजन कर लो, कोई ध्यान लगा लो, कुछ भी कर लो, बहुत ही अच्छी जगह है। अब शांति कुंज के भंडारे के लंच के बाद आपका हरिद्वार का ट्रिप खत्म होगा और आप जा सकते हैं वापस अपनी होम सिटी। अब ये सारी जगह घूमने के लिए आपको हरिद्वार में जो होटल करना है वो कैसे करें? हरिद्वार में आपको कई तरीके की धर्मशाला और होटल्स अवेलेबल होंगे। हमारी आइटिनरी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा हरिद्वार में एक दिन का होटल, और आपको हम बता दें कि हरिद्वार में कोई भी 5-स्टार होटल अवेलेबल नहीं है। हालांकि यहां की धर्मशाला आप बुक कर सकते हैं 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की, और यहां का एक नॉर्मल होटल आप बुक कर सकते हैं 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक का। हरिद्वार में सबसे एक्सपेंसिव होटल आपको मिल सकता है 5 से 8 हजार रुपए में। हालांकि अगर आप हरिद्वार अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको गाड़ी यहाँ की कार पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी, जिसका नाम है दीनदयाल पार्किंग और पंतदीप पार्किंग। हरिद्वार के नॉर्मल और लग्जरी होटल्स की बुकिंग आप किसी भी मर्चेंट वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, बस गूगल पे लिखिए बुक होटल्स इन हरिद्वार और उसमें से कोई भी मर्चेंट वेबसाइट खोल के अपना प्रेफर्ड डे और प्रेफर्ड रूम डाल सकते हैं, जिससे आप हरिद्वार के होटल्स और कुछ धर्मशालाएं बुक कर सकते हैं। हालांकि हरिद्वार की सारी धर्मशालाएं आपको ऑनलाइन बुकिंग में नहीं मिलेंगी, इसलिए आप गूगल मैप्स में जाके उन धर्मशालाओं का डायरेक्ट नंबर लेके उन्हें कॉल करके बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हरिद्वार में ये सब करने का आपका खर्चा कितना होगा। हरिद्वार अगर आप फ्लाइट से जाते हैं दिल्ली से तो आपकी रिटर्न टिकट पड़ सकती है तकरीबन 5000 की। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आपकी स्लीपर क्लास की टिकट पड़ सकती है 400 रुपए की, और अगर आप बस से जाते हैं तो आपकी टिकट पड़ेगी 400 से 500 रुपए की। अब हरिद्वार में होटल्स, अगर आप लग्जरी होटल लेते हैं तो आपको वो पड़ेगा 5000 रुपए का। एक नॉर्मल होटल आप ले सकते हैं 2000 रुपए का, और सबसे चीप धर्मशाला आपको मिल सकती है वहाँ पे तकरीबन 500 रुपए की। हरिद्वार घूमने का अट्रैक्शंस का कोई पैसा नहीं है, और हरिद्वार में अगर आप एक्टिविटीज करते हैं जो कि है यहाँ की रोपवे, तो वो आपको दोनों रोपवे की टिकट पड़ेगी तकरीबन 365 रुपए की। और हरिद्वार में 2 दिन के खाने पीने का खर्चा आपका हो सकता है तकरीबन 1500 रुपए का। तो हरिद्वार का लग्जरी ट्रिप आपका बनेगा तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए का, एक नॉर्मल ट्रिप 3 से 4 हजार रुपए का, और एक सस्ता ट्रिप 2 से 2500 रुपए में आपका हरिद्वार का बन सकता है। तो गाइस ये थी हमारी हरिद्वार की कंप्लीट ट्रैवल गाइड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बस दबाइए लाल बटन और उसके बाद घंटे के निशान के साथ दबा दें ऑल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का सवाल ये है कि इस वीडियो में अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमसे मिस हो गई हो या फिर गलत हो गई हो तो हमारे कमेंट में उसे करेक्ट जरूर कर दें, ताकि वो हर एक भगत को हेल्प कर सके। और महीने के हर पहले सैटरडे को हम लाइव सेशन करते हैं, उसे भी जरूर ज्वाइन करें, उसमें मैं लाइव रहकर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन, बी वेल, नमस्ते। हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।